नमस्कार दोस्तों, समीर सर की पाठशाला में मैं किशनगंज बिहार से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक खास और अहम बात यह है कि इस चैनल के अंत तक बने रहे। कुछ लोग बीच में अगर चले जाएंगे तो उनको काफी नुकसान होगा। तो जो विद्यार्थी बहुत सीरियस है पढ़ाई के प्रति, वो मेरा चैनल छोड़ के जाते ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स या वगैरह कमेंट्स में आते हैं, तो वो सभी कहते हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुझे बहुत उत्साह मेरा बढ़ता है, इसलिए आप सभी कमेंट करो और वीडियो के अंत तक बने रहो। जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब जरूर करो। आप सभी इसमें लेट कर रहे हो तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। तो चलो, आज जो मैं चैप्टर लेके आप लोग के लिए आया हूँ वो है महत्तम समावर्तक तथा लघुतम समावर्तक, यानी एससीएम तथा एलसीएम, ठीक है। एक क्वेश्चन है 1056, 1584 तथा 2178 का महत्तम समावर्तक यानी एससीएफ ज्ञात करें। अगर पुराने तरीके से बनाया गया तो काफी लंबा होगा, इसमें इससे भाग दोगे, फिर जैसे होगा इसमें इससे भाग दोगे, काफी लंबा है। इसमें आपको दो संख्या चूज करना जिसका कि न्यूनतम अंतर हो, अंतर न्यूनतम हो, दोनों का अंतर न्यूनतम हो। तो मैं दो संख्या चुनता हूं जिसका अंतर न्यूनतम है, ये दोनों, इसका डिफरेंस न्यूनतम होगा, बाकी इससे दूरी काफी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि 1584 माइनस 1056, इसको माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 528 का आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, देखो 528 है, दो दुने चार, और ये हो गया 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 8, 2 से 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4, ये 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, और 2 × 6 = 12, ये 3 से कटेगा, 3 × 6 = 66, 11 = 66, 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 6, 11 × 11 = 22, यानी 3 × 11, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 2 हो गया, 3 × 11 हो गया। तो इस प्रकार से मैं नेक्स्ट जब बनाऊंगा तो ये आप लोग, ये तरीका मैंने सिखा दिया, ये काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप लोग खुद से कर लेना। तो 528 को मैंने तोड़ दिया, 2 × 2 × 2, ये दो ही मैं साथ में पेयर ले लेता हूँ, 2 × 3 × 11। और मेरा आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे मैं देखा था, मैंने एक चैनल बनाया जिसमें की था वीडियो कि संख्या देखते ही पहचान जाओ कि कौन सी संख्या किसे करती है, यहाँ पर वो आपको लागू होने वाला, ठीक है। तो ये तीनों संख्या किससे किससे करती है, 2 से 2 भाई, 6 अंत में है, सम संख्या कटेगी, अंत में 4 है तो कटेगी ही, अंत में 8 है तो कटेगी। अब 2 × 2 = 4 होता है, 4 से अगर देखा जाए तो ये और ये तो कट जाता है, पर ये 2 संख्या अंत का नहीं कट रहा है, ठीक है। जब 4 से नहीं कट रहा है तो फिर इसका मतलब 2 गुणक में मुझे और कोई लेना ही नहीं है, 2 के गुणक में कोई और लेना ही नहीं है, मैंने सिर्फ ले लिया 2। मैं ले दू एससीएफ बराबर क्या होता है, लीजिए मैंने 3 से देखा जाए, देखिए 6 से 12 3 से कटेगा, इसको जोड़ेगा होगा 18 3 से कटेगा, ये भी हो जाएगा 18 3 से कटेगा, ले लिया 3, इसका आपस के अंतर 6 − 0 ये भी कटेगा, 9 − 9 = 0 ये भी कटेगा, 9 − 0 ये भी कटेगा, नहीं हो गया 11 से = 66, ये हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या हो ना तो उसका मतलब होता है एससीएफ, ठीक है। ज्यादा मैं वो डिस्क्राइब करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सा बात कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन देखो डायरेक्ट उत्तर तक कैसे पहुंचो। जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचे, तो आप ऐसा करो कि माइनस करो, ठीक है। जैसे कि 804 माइनस 5 बराबर, फिर 1745 माइनस 6, बोला इसमें भाग देने पर शेष 5 बचे, इसमें भाग देने पर शेष 6 बचे, ठीक है। इसमें से घटाएं हो गया 799, देख लो आपके सामने में, इसमें से घटा हो जाएगा 1739, ठीक है। अब दूसरी काम करो कि दोनों का अंतर ले दो, इसका अंतर ले दो, आप इसका डिफरेंस बिटवीन दोनों का, यानी इसमें ऊपर वाले को माइनस कर दो,
मैथ का सोचेगा आपको 940 ऊपर वाले नीचे कटा, ठीक है, जीरो हो जाएगा आपको पूरा पूरी 940। अब मैं इधर करता हूं 923 का एलसीएम लिया, हो जाएगा आपको 2×2×5×37। ये एलसीएम लेने पैसा होता है, ये ऐसा ये प्रक्रिया करने पर, वो मैं करूंगा नहीं, तो मैं टाइम बर्बाद आप लोगों का नहीं करना चाहता, मैं सीधे काम की बात करना चाहता हूं। अब शेषफल बचने की बात है, इसमें काफी अंतर है। अगर मैं 2 से भाग देता हूं 4, ये 804 को, ये पूरी तरह विभाजित है, तो क्या 5 बचेगा शेष? ये नहीं, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए इसमें। तो जब एक को चेक कर लिया तो इसको चेक करना ही नहीं, वैसे भी काम खत्म है मेरा, भले ये नहीं कट रही हो, लेकिन एक भी कट गया तो वो मैं नहीं लूंगा। अब 2×2=4 से भाई ऑब्वियसली ये कट रहा है अपने आप, जब ये कट ही रहा है तो फिर इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कटना नहीं चाहिए, कटेगा तभी ना कुछ इस बचेगा। 5 से नीचे वाला कट रहा है, अंत में 5 है, ये भी नहीं। अब झक मार के 47 होगा ही होगा, जिसमें आप 804 में भाग दोगे तो शेषफल 6 बचेगा रिमाइंडर, और इसमें भाग दोगे तो शेषफल आपको बचेगा, इसमें 5 बचेगा इसमें 6 बचेगा, इसलिए एस सी बराबर आपका हो जाता है 47 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगले क्वेश्चन में 3 नंबर में यह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एससीएफ ज्ञात करें जिसे 62, 132 तथा 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब बात समान शेष बचने की हो तो आप क्या करो कि सब जितने भी संख्या दिए हुए सबका आपस का अंतर घटा लो सबसे पहले, तो किसी में किसी घटाओ, लेकिन 3 बार से ज्यादा घटेगा नहीं। देखे जैसे कि 237 - 132, 237 - 62, उसके बाद 132 - 62। अब आप ये बताओ क्या ये संभव है इससे ज्यादा कुछ माइनस कर सको? ये सारी संख्या आपस में माइनस हो गई, देख लो आपके सामने में है, तो सबसे पहले इसका अंतर हो जाएगा 105, इसका हो जाएगा 175, और इसमें से घटाओगे हो जाएगा आपको 70। तो आप पुराने नियम से भी बना सकते हैं, जिस तरह की किसी 3 में से जो जिसका डिफरेंस कम हो उसको लेकर के पुराने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्या वो प्रैक्टिस से दिखाई पड़ता है? जैसे ये जो है 35×3 है, ठीक है, ये जो है 35×2 है, ऑब्वियसली ये भी कुछ 35 का ही गुणक में है, ये 35×5 है, तीनों में कॉमन क्या आ गया दोस्त? देखिए 35 यानी कि 80 बराबर क्या आ जाएगा? 35 आ गया आंसर। टाइम लगा? बिल्कुल नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम ज्ञात करें जिसे 12, 30, 44, 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले 12, 30, 44 और 56 का आप जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत, तो आराम से एलसीएम ले लो, हो जाएगा 2×3×14×, इससे आगे फिर हो जाएगा आपको 11×10, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद इतना आएगा, ये 6 है, 14×84 × 11×10, मैंने आपको 11 से गुना करने का तरीका बताया है, 4×4 = 8, 12×2 हाथ मेरा 1, 8×1=9 हो गया गुना, और 10 का ये हो गया 0। लो भाई एलसीएम तैयार है, 12 से भाग दोगे शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा 0, हर संख्या से पूरा से कट रहा है, लेकिन बोलता है सब समान, मतलब कि 7 शेष बचना है, तो भाग देने में 7 शेष कब बचेगा? जब इसमें 7 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है, हो जाएगा +7 यानी 9247, ये आपका आंसर है। इस संख्या में जब मैं 7 वापस घटा दूंगा तो 7 शेष बचाने के लिए, तो नहीं सॉरी, ये 7 शेष तब बचेगा जब मैं सब में भाग दूंगा इस संख्या में सबसे, तो क्या होगा हर हाल में, इसका होता है ट्रिक एलसीएम +7,
तो एलसीएम प्लस 7 कर दिया। अब सबसे भाग रहे पर हाल में 7 तो बचे गए बचे, क्योंकि इतना संख्या सबसे कठिन रहा है नौ प्लेयर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज इसके बाद। तो दोस्तों ये है पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, अंतिम इसके बाद ही मैं देते रहूंगा, पार्ट वन है। वह छोटी सी छोटी संख्या नहीं एलसीएम कौन सी होगी जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65 तथा 78 यानी 30, 45, 65 तथा 78 में से प्रत्येक से पुण्य विभक्त हो। तो एलसीएम निकालना है भाई, तो ये चारों का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, वो मैं बार बार करके या बार बार बोलकर भी आपको इरिटेट नहीं करूंगा। एलसीएम होगा 3 × 13 × 3 × 5 × 2। ठीक है, मेरा किया हुआ है भाई, मुझे तो सब कुछ याद है। अब आपको भी ऐसे मित्र बनना है मुझसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो गुना करेंगे तरीका, देखो ये 3 × 3 = 9 हो गया, 9, 39 + 33 = 9 कितना होता है भाई, सीधा सा बात है 117। 5 × 10 हो गया एक ही बार में मल्टीपल काम खत्म। अब क्या है इसमें दिया हुआ है कि जिसमें 13 जोड़ने पर ये सबसे विभक्त हो, पूरी तरह से कट जाए। अभी तो पूरी तरह कट रहा है, अगर 13 जोड़ दोगे तो क्या कटेगा? नहीं, वो हिसाब की तरह गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें आप 13 को कर दो माइनस एलसीएम माइनस 13, तो प्राप्त हो जाएगा 1157। यह होगा रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या या उत्तर, क्योंकि लिखा हुआ है कि 13 जोड़ने पर, इसमें मैं 13 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1170 और ये संख्या ये सबसे विभक्त है। तो दिमाग लगाओ हर संख्या को, कान उलट के पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो मैं फिर आगे आता रहूंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अंतिम तक देखा उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल अब सब्सक्राइब करो, और जहां तक हो सके उसमें आप कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को जहां तक हो सके मार्गदर्शन भी करो। ओके।